दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 पर आज के दिन कई सारी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली बड़ी अपडेट है स्टीव स्मिथ के ट्रेड को लेकर के, दूसरी अपडेट है किंग्स 11 पंजाब के टारगेट प्लेयर्स के ऊपर, उसके बाद तीसरी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के ट्रेड को लेकर के और साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग के ऊपर कई सारी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। तो ऑल ओवर ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप बिग बैश लीग के सभी मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन क्रिकेट से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की जो पहली बड़ी अपडेट है वो आ रही है स्टीव स्मिथ की तरफ से, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट स्टीव स्मिथ को अपने स्क्वाड से रिलीज कर देगी और मोस्ट प्रोबेबली स्टीव स्मिथ आईपीएल ऑक्शन से पहले ट्रेड हो सकते हैं और स्मिथ ट्रेड होकर के आरसीबी के स्क्वाड में आ सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम को स्टीव स्मिथ की जरूरत है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है किंग्स 11 पंजाब के टारगेट प्लेयर्स की तरफ से, जहां पर पंजाब की टीम मिनी ऑक्शन में मुख्य रूप से चार प्लेयर्स को टारगेट करेगी, जिसमें पहला बड़ा नाम है सोन मार्श का, दूसरा बड़ा नाम है तनवीर सांघा का, तीसरा बड़ा नाम है कैमरन ग्रीन का, वही चौथा बड़ा नाम है बेन कटिंग का। तो इन चारों प्लेयर्स को पंजाब की मैनेजमेंट आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट की तरफ से, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होगा और इस मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स सोनी 10/3 पर दिखाया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है कुलदीप यादव के ट्रेड की तरफ से, जहां पर कुलदीप यादव के ट्रेड के लिए दो टीमें सामने आ चुकी है, जिसमें पहला बड़ा टीम है चेन्नई सुपर किंग्स का, वही दूसरी बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की। तो ये दोनों टीमें अपने अपने स्क्वाड में कुलदीप यादव को ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि चेन्नई की टीम अपने स्क्वाड से सभी स्पिनर्स को रिलीज कर देगी, वही मुंबई के पास कोई भी बेहतरीन स्पिनर अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों टीमें कुलदीप यादव को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, जहां पर बुमराह चौथे टेस्ट से पहले चोटिल हो चुके हैं और टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ी चोटिल हैं, जिसमें हनुमा विहारी, जसप्रीत बुमराह, इसके बाद ऋषभ पंत जैसा बड़ा नाम इंक्लूड है। तो बुमराह चोटिल होकर के चौथे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आ रही है गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की तरफ से और ये मीटिंग बीसीसीआई की तरफ से 2 से 3 दिनों के अंदर स्टार्ट की जाएगी और इस मीटिंग में आईपीएल 2021 के ऊपर कई सारे बोल्ड डिसीजन लिए जाएंगे, जिसमें बीसीसीआई कंफर्म कर देगी कि किस डेट को आईपीएल का ऑक्शन स्टार्ट होगा। इसके बाद आईपीएल 2021 के शेड्यूल और साथ ही साथ आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन के ऊपर कई सारे बड़े बड़े डिसीजन गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है श्री संत की तरफ से, जहां पर श्री संत 2800 दिनों के बाद एक बार फिर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और श्री संत ने 4 ओवर में
29 रन दे करके एक विकेट लिया और श्री संत ने आउट स्विंगर गेंद पर पुडुचेरी के एक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया था। और इस विकेट के लेने के बाद श्री संत थोड़ा सा भावुक हो चुके थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद श्री संत वापसी कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में श्री संत को किस टीम से खेलना चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और बिग बैस लीग के प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।